अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं एक तैयार घर बता रहा हूँ जिसमें 3 रूम रहेंगे, हॉल रहेगा, दीवान खाना रहेगा, 2 बाथरूमों के साथ रहे, और ये बिल्कुल शाहीन नगर के चौराहे पे से जहाँ बावर्ची होटल है उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, सब रूट पे एक बहुत तैयार घर है जो अच्छे पैमाने पे बना हुआ है 125 गज पर। और जो इसकी ख्वाहिश कर रहे थे भाई 75 लाख रुपए शुरू में, लेकिन अब अर्जेंट सेल करना है, शादनगर में कुछ पेमेंट करना है बता रहे हैं, तो इसीलिए बिल्कुल रीज़नेबल पे डाले हैं रेट 55 लाख रुपए, क्योंकि आगे पेमेंट करना है, शिफ्ट करना है। तो आपको रोड से शो कर लेते आता हूँ, शुरू से देखिए वीडियो आप, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको रोड से शो कर लेते आऊँगा इंशाल्लाह। और जो रजिस्ट्रेड है बता रहे हैं डॉक्यूमेंट टैक्स वगैरह सारा पे करा हुआ है, नल और पानी की बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बोरवेल है, तो आपको रोड से शो कर रहा हूँ, चेक करिए आप। तो देखिए शाहीन नगर जो आप जैसा बारकस की पीली दरगाह वगैरह पार करके जाएंगे, जो मशहूर फेमस मंदी के थाना है, उसी से आगे जाएंगे आप सीधा स्टेट रोड, तो आपको ये रोड दिखेगी। देखिए ये बिल्कुल मशहूर एरिया हो गए, ये काफ़ी रेटों में कम थे लेकिन अभी काफ़ी रेट्स हो गए यहाँ पर। ये बावर्ची होटल है, बावर्ची होटल से थोड़ी दूर पर है, आप वीडियो से चेक करिए, आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल है, उसी से थोड़ा आगे जाएंगे आप। मैं आपको यहाँ रोका हूँ इसलिए कि चौराहा बहुत बीच है, और मैं से ये देखिए बाजू बिल्कुल जो आपका घर बता रहा हूँ उससे थोड़ी दूर पे ये है, और आसपास में मैं एंडिंग में वीडियो तो एंडिंग में जब मकानदार से बात करूँगा, बस बिल्कुल बाजू गलियों का भी मैं इंटीरियर लिया हूँ, लोकेशन तो वो भी रहेगा। देखिए बिल्कुल जैसा आप आगे जाएंगे मेन रोड से आपको ये लेफ्ट जाने का है, ये जो दिख रहे हैं आपको उमर फंक्शन हॉल का जो बोर्ड दिख रहा है उसी से लेफ़्ट लेना है। ये देखिए मेन रोड से लेफ्ट थोड़ी दूर पर आपको ये सब रोड दिखेगी। ये देखिए आप बिल्कुल घर के आजू बाजू भी देखिए काफ़ी अच्छे घर बने हुए, ये बिल्कुल हम राइट टर्न लेके आए ये घर। तो जैसा मैं आपको रोड से बता लेते आया उसी तरह से ये बिल्कुल सिचुएटेड कॉलोनी में अच्छा घर है, बिल्कुल अच्छी लोकेलिटी में, और बिल्कुल रोड से मेन रोड से बिल्कुल करीब में है। मैं आपको रोड से बता लेते आया हूँ, तो आपको बाहर से शो कर लेते आ रहा हूँ, ओनर भी मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिटेल लेंगे, पहले मैं आपको घर बता देता हूँ। ये देखिए और बिल्कुल पीसफुल और बड़ी रोड पे है, आपको काफ़ी चौड़ी रोड है, इंशाल्लाह यहाँ रोड भी डल जाएगी जल्द, मैं समझता हूँ जो काम चल रहा है इधर तो हिसाब से, क्योंकि काफ़ी रोड बड़ी है तो आपको पार्किंग वगैरह की यहाँ सहूलत रहेगी। तो मैं अंदर ले जाता हूँ आपको, घर का बाहर का इंटीरियर बता रहा हूँ एलिवेशन। ये देखिए एक छोटा सा झाड़ लगा हुआ है और अभी घर पर है, तो देखिए अभी मेरे साथ ओनर भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर देखिए घर में अंदर एंट्रेंस होते ही छोटी सी पार्किंग है आपको, और नल वगैरह की सहूलत है इधर, और यहाँ पर ये आपको दीवान खाना है, ड्राइंग रूम जो ग्रेनेड लगा हुआ है नीचे, ये देखिए नीचे, और ये जैसा एंट्रेंस हो रहा है आप एक छोटा सा उनके साथ ये सीलिंग करी हुई है देख सकते कंप्लीट, आपको ये डोर खुल रहा है कि मेन डोर है ये दीवान खाना टाइप में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा स्लो चलो, तो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी होती है, तो मैं अगर स्लो जाऊंगा तो और बहुत बड़ी हो जाएगी। ये देखिए स्टेयर्स है जिस पे ग्रेनाइट डला हुआ है पूरा, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे भी ऊपर जाएंगे टेरेस पे, तो अभी यहाँ पर मैं अंदर ले जा रहा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हॉल है, जैसा अंदर आप आते हैं पार्किंग के अंदर से आते हैं तो आपको बड़ा हॉल है माशाल्लाह, ये 20 फीट के ऊपर लंबाई में रहेगा और 12-15 फीट तक चौड़ाई में है, ये 20x15 का हॉल के हिसाब में आएंगे, और पूरी सीलिंग करी हुई है देखिए आप, पीओपी की सीलिंग करी हुई है, और ये यहाँ पर हॉल है बिल्कुल, अभी रेजिडेंशियल है ये भाई, ओकेट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ जैसा जाएंगे आप फिर यहाँ एक रूम है ये हॉल के अंदर से, ये देखिए यहाँ भी सीलिंग करी हुई है, पूरे घर पर सीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये मेन रोड से बिल्कुल नज़दीक है आपको, मैं अभी रोड मेन रोड से आया हूँ, और ये बिल्कुल अच्छी सोसाइटी में है और अच्छी कॉलोनी जिस टाइप बना हुआ है, और काफ़ी बड़ा ये रूम्स वगैरह है। ये देखिए किचन है, किचन की तरफ आऊँगा मैं, ये वॉशरूम वगैरह है इधर, ये देखिए एक अच्छा सा बाथरूम बना हुआ है, यहाँ आएंगे अंदर भी रूम है, यहाँ भी सीलिंग करी हुई है पूरी, अभी मैं सडन आ गया भाई इधर, और इधर एक वॉशरूम वगैरह है, ये देखिए डब्ल्यूसी वेस्टर्न में भी है, इंडियन में भी है, और यहाँ आपको डक भी है,
पाइपलाइन वगैरह जाने के लिए, तो मैं छत पे भी ले जाऊंगा, वहां से भी बताऊंगा आपको। और यहां जब आएंगे तो यहां भी एक रूम है, देखिए अच्छा सा, पूरी सीलिंग करी हुई है आपको। तो देखिए न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ज़्यादा पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप सीलिंग के अंदाज़े से भी लगाइए और कलर्स वगैरह देखें। और जैसा है यहाँ पर भी एक बाथरूम है आपको, बिल्कुल अलग सेपरेट है वो स्पिटाई। और ये किचन है, देखिए किचन पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी रेसिडेंशियल है, लोग हैं इसमें, तो अभी जो ओनर ही है, कोई किराएदार वगैरह नहीं है, भाई कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो इस वजह से निकाल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये ग्रेनाइट का पूरा किचन वगैरह बना हुआ है, आपको ऊपर भी हाइट काफ़ी है किचन में, और वेंटिलेशन भी है पीछे से। ये रूम पे भी देखिए आप, तो यहाँ पर तीन रूम है आपको, एक दीवान खाना है, एक बड़ा हॉल है और दो बाथरूम सेपरेट है। और मैं आपको छत के तरफ ले जाता हूँ अभी, आपको जो चढ़ने के स्टेयर्स है उसमें भी एसएस का काम करा हुआ है पूरा, और ग्रेनाइट पत्थर है पूरे। तो ये देखिए जैसा स्टेयर्स से ले जा रहा हूँ आपको मैं, एसएस का काम करा हुआ है बिल्कुल। और ये देखिए बिल्कुल छत साफ है, देखिए आजू बाजू का भी जो इन्वायरमेंट है बहुत प्यारा है, घर जो बने हुए सामने देखिए आप, बिल्कुल प्यारे घर है, अच्छे वेल फर्निश्ड घर है। सामने पीछे भी एक देखेंगे आप, और बिल्कुल रोड आपको लगेगी, आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, मस्जिदें भी नज़दीक है यहाँ, ये देखिए आप। और पिल्लर वगैरह डले हुए हैं, आप जल्दी रेस कर कर फिर और एक छत भी दलाना है तो दला सकेंगे। तो देखिए मैं बिल्कुल रोड जो दिख रही है आपको, पीछे जो घर दिख रहे हैं उससे रोड है, मेन रोड से बिल्कुल अंदर है थोड़ा सा, और जो बावर्ची होटल वगैरह के बिल्कुल करीब है। तो ओनर भी मेरे साथ है, डिटेल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप जी, आपका नाम? सैयद साबिर जी। सैयद साबिर भाई, साबिर भाई ये कौन सा मुकाम है जो आपका घर? वादी उमर शाहीन नगर आएगा। शाहीन नगर वादी उमर जी, 125 स्क्वायर यार्ड जी, 55 लाख रुपए। बोरवेल नल कैसा है? बोर वगैरह पूरा सस्पेंड, टैक्स पूरा कंप्लीट है। नहीं नहीं, इसमें बोरवेल पानी है ना? बोरवेल पानी है, सब कुछ है जी, नल का पानी भी है, बोरवेल भी है, बोरवेल भी है, असिस्टमेंट है, टैक्स है, सब पूरी कंप्लीट है। रजिस्टर्ड किसके नाम पे सब ये? मेरे वाइफ के नाम। अच्छा, आपके वाइफ के नाम। तो अंकल ये फिर आप एक बार पूछूंगा, ये मतलब पूरा एरिया डेवलप है, हाईवे से बिल्कुल नजदीक है ना, मेन रोड से? ये मेन रोड से करीब है, बिल्कुल करीब है ये, आप देख सकते हैं आजू बाजू का भी बता रहा हूँ मैं आपको। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अंकल की वाइफ के नाम पर है बता रहे हैं, जो भी आप रहेंगे अगर जेन्यून है तो आइए, सामने डॉक्यूमेंट भी शो हो जाएंगे आप। तो 75 लाख की जो उम्मीद हो रही है, 55 लाख रुपीज बैठक में कम होंगे जी इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत। तो चलिए इंशाल्लाह, जो भी इंटरेस्टेड है। तो देखिए टाइटल में भाई का नंबर दे दूंगा मैं, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ये 125 गज बताए ना आप? 125 पेपर में भी 125 गज रहेगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ है। तो जैसा भी अगर आप खरीदी करेंगे उस तरह खाली करके दे देंगे, आप खुद रह रहे हैं इस घर में जी इंशाल्लाह, जैसा आपका अगर पेमेंट हो जाता है इंशाल्लाह तो आप खाली करा दे देंगे खाली करके। तो जो भी इंटरेस्टेड है मैं टाइटल में नंबर दे दूंगा, दो नंबर रहेंगे, आप दोनों नंबर पे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह।